हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यू आर द होम। सो हम आए हैं एक प्रोजेक्ट देखने के लिए जो फुली एनी प्लॉट प्रोजेक्ट है एंड सराउंडिंग पूरा आप देख सकते हो, ये छोटा सा माउंटेन है और ये माउंटेन के बीच में ये पूरा गेटेड कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट डेवलप्ड है। सो हम यहाँ पे बेसिकली डेवलपर जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बंगलोज विलास डेवलप किए हैं। ये पूरा हैंडओवर किया गया हुआ प्रोजेक्ट है जो लोकेटेड है खोपोली पाली रोड भैरव विलेज। प्रोजेक्ट का नाम है भैरव हिल्स। सो हम आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनए प्लॉट है जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे आप एक विलास कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एंड जैसे कि सैंपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लाइंट है, उन्होंने ऑलरेडी उनका एक विला डेवलप किया हुआ है। सो अगर आप सेकेंड होम में आपको अगर एनए प्लॉट परचेस करना हो, विलास बिल्ड करना हो, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है। मोस्ट ऑफली एक 80-17% ये प्रोजेक्ट पूरा मतलब डेवलप्ड है एंड हैंडओवर भी है। यहाँ पे लोग रह रहे, आप लाइन से देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि सिनेमेटिक व्यू में आपने देखा होगा कि बहुत सारे विला यहाँ पे डेवलप्ड है। सामने भी 3 विला आपको देखेंगे, 1, 2, 3। देन यहाँ पे ये क्लब हाउस है, वहाँ पे क्रिकेट टर्फ है, फुल्ली एमिनिटीज से भरा हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है। सो अभी अवेलेबल प्लॉट्स है जो डेवलपर को सेल करने हैं। आप देख रहे हो मेरे फ्रंट ऑफ साइड पे एक प्लॉट है जो 3,428 स्क्वायर फीट में है। देन राइट हैंड साइड पे भी एक साइड वाला प्लॉट है। यहाँ पे जो इस विला के जो ओनर है उन्होंने 2 प्लॉट ज्वाइन करके एक पूरा कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंडली आप देखोगे तो ये पूरा गार्डन व्यू वाला एरिया बनाया हुआ है। सो लोकेशन की अगर प्रॉपरली हम बात करेंगे तो मुंबई से यहाँ पे आने के लिए आपको मैक्सिमम 1-2.5 घंटा लगता है खोपोली पाली रोड। एडलाइट इमेजिका से आप सीधा टूवर्ड्स पाली गणपति मंदिर आ सकते हो। देन यहाँ से कुरौले फाटा करके एक विलेज है, वहाँ से राइट लेके 1.5 किलोमीटर पे ये पूरी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स टूर मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहे। ये भी प्लॉट है जो सेल करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉट है, राइट हैंड साइड पे प्लॉट है वो डेवलप्ड है, वहाँ पे बंगलोज रेडी है। एंड ये सेंटर वाला प्लॉट है वो डेवलपर को सेल करना है। देन अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ऊपर वाला व्यू, ऊपर से भी आपको ये पूरे प्रोजेक्ट का एरियल व्यू दिखेगा, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हो ये पूरा विला है वो ओनर का है, जो लैंड ओनर है उनका ये पूरा ओनर का विला यहाँ पे है। सो ये शीरा कंस्ट्रक्शन में आप विला देख सकते हो, बढ़िया सा खूबसूरत विला उन्होंने बनाया हुआ है प्लांटेशन के साथ। पूरा ये एनए प्लॉट में कंस्ट्रक्शन किया गया हुआ है। तो सुपर व्यू है इस विला को। देन ये एक फार्म हाउस देख सकते हो, ये 2 प्लॉट्स एक करके पूरे ये फार्म हाउस है। सो यहाँ पे ओनर ने क्या क्रिएटिविटी की आप देख सकते हो, पपायास का ट्री है, देन बनानास के ट्रीज है, एंट्री है बेसिकली, सामने ये क्रिकेट टर्फ है एमिनिटीज का, और ये एक फार्म हाउस आप देख सकते हो। सो ये है हमारा फेज 2। एक बार मैं आपको फेज 2 समझा देता हूँ। ये डायरेक्टली रोड है कनेक्टेड फार्म लैंड प्रोजेक्ट से लेके हमारे एनए प्रोजेक्ट के लिए। एंड सेंटर वाला जो प्लॉट है और ये हमारा अपकमिंग फेज 2 यहाँ पे लॉन्च होगा। यहाँ पे भी एक 2,000-4,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स बनाए जाएंगे और सेम कंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। सो मुंबई से 1.5-2 घंटे पे आप यहाँ से आ सकते हो। एडलाइट इमेजिका से 30 मिनट्स यहाँ पे लगता है आने के लिए प्रॉपरली। एंड मेन हाईवे से यहाँ पे आने के लिए मतलब अगर वॉकिंग भी आप आ सकते हो, यहाँ के लोकल्स है वो वॉकिंग यहाँ पे हाईवे से ट्रैवल करते हैं, बट 5 मिनट्स की दूरी पे यहाँ से पूरा आपका खोपोली पाली रोड हाईवे है। सो एमिनिटीज बहुत सारे हैं इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि ये बड़ा सा क्रिकेट टर्फ है वो एक बेस एमिनिटीज डेवलपर ने दिए हुए है। ये है हमारा सैंपल बंगलो, ये तो ओनर का खुद का बंगलो है, इसमें भी बढ़िया सा स्विमिंग पूल के साथ कंस्ट्रक्शन, अभी एक्चुअली यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो ये पूरा आप देख रहे हो ये क्रिकेट टर्फ है, बड़ा सा यूज क्रिकेट टर्फ है जो मोस्ट ऑफली प्रोबेबली कम डेवलपर्स इस एसी एमिनिटीज हैंड ओवर करते हैं।
वहाँ पर भी आप देखोगे तो फार्म हाउस है और ये प्लॉट से ये सब अवेलेबल है फॉर द सेल। मैडम आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लॉट्स है जो सेल करने हैं। यहाँ पे आप इस टाइप के विलास कंस्ट्रक्शन इस प्लॉट पे कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट है, जैसे कि ये 2422 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। हर एक प्लॉट की जो साइज है वो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन की गई हुई है। जैसे कि ये 17 नंबर का प्लॉट है 3922 स्क्वायर फीट का, यानी ये सामने डायरेक्टली व्यू आपको मिलता है माउंटेन वाला। सो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, एन ए प्रोजेक्ट है एंड फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्ट्रीट लाइट सब कुछ डेवलप है। ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप देख रहे हो लाइन में सब विलाज है। यहाँ पे भी विलाज है, ये अभी कंस्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ पे भी हैंड ओवर हो गया है। सो ये अलग अलग यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे आ सकते हो, प्लॉट्स विजिट कर सकते हो, प्लॉट खरीद सकते हो। देन बैक साइड का व्यू देखोगे तो पूरा माउंटेन, छोटा सा एक माउंटेन है, माउंटेन के जस्ट बगल में हमारा ये भैरव हिल एन ए प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है। सो ये रहा 20 नंबर प्लॉट 3433, देन 13 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर। सो यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स है जो अवेलेबल है और डायरेक्टली आप रोड का जो देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली रोड है जो जिसका सब एक्सेस आपको प्लॉट के लिए अवेलेबल है। तो आपका कुछ प्लान हो कि सेकेंड होम में आपको कुछ एक घर बनाना हो, आपके सपनों का ड्रीम होम, सो ये प्लॉट आपके लिए, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। हार्डली आपको नियर बाय मुंबई, अभी तो जो न्यूली अटल सेतु है वहाँ से भी कनेक्टिविटी एकदम इजीली हो गई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के आजू बाजू जो लोकेशन है, मोस्ट ऑफली वहाँ पे सेकेंड होम कॉन्सेप्ट बहुत सारे, मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। खोपली पाली रोड आप देखोगे, एडलाई बीमाजिका से लेके पाली गणपति मंदिर तक फार्म हाउस, एनी प्लॉट्स प्रोजेक्ट बहुत सारे मिल जाएगी आपको। सो उसमें का एक ये भैरव हिल्स प्रोजेक्ट है, वो रीजनेबल रेट में है एंड फुल्ली डेवलप्ड है। आप आंखों के सामने पूरी डेवलपमेंट देख सकते हो, प्लस आपको इस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल मिलेगा, छोटा सा रेन डांस बनाया हुआ है। बैक साइड पे भी यहाँ पे देखोगे तो ये भी प्लॉट्स आपको अवेलेबल है, एक पूरे प्लॉट्स है जो सेल करने हैं। देन राइट हैंड साइड पे भी प्लॉट्स अवेलेबल है। सामने अगर देख रहे हो तो ये पूरा सह्याद्री का माउंटेन व्यू है, सी। एंड जब बारिश होती है, बारिश में यहाँ पे क्लाइमेट एकदम पीसफुल एंड चिलिंग वाला क्लाइमेट हो जाता है यहाँ पे। सो ये भी जैसे कि वो एक विला देख रहे हो, उसके साइड में जो प्लॉट्स है वो भी सेल करने हैं। सो इन्वेंटरी बहुत काफ़ी है, चॉइस भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। आप एक बार आइए, ये पूरे लाइन से आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। सो ये पूरा पीसफुल भरा प्रोजेक्ट है, आप आइए, विजिट कीजिए, प्रोजेक्ट आप एक्सप्लोर कीजिए। तो एक बार मैं आपको एक छोटा सा एमिनिटीज का पार्ट है जहाँ पे एक कॉमन स्विमिंग पूल दिया हुआ है डेवलपर ने, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा क्रिकेट हब, जैसे ही मैंने बताया, पूरा एकदम ह्यूज साइज में पूरा क्रिकेट हब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्लब हाउस वाला पार्ट है, ये क्लब हाउस भी इंडोर गेम्स वगैरह इस क्लब हाउस में आपको खेलने के लिए मिल जाएगा बेसिकली। देन ये रहा आपका स्विमिंग पूल वाला एरिया। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो छोटे मोटे कुछ फार्मिंग की है, लाइक कुछ सब्जियां है वहाँ पे थोड़े ग्रोथ के लिए डाली हुई है, आप देख सकते हो। ये पूरा एरिया है, इतना बड़ा प्लॉट डेवलपर ने सिर्फ किचन गार्डन के लिए दिया हुआ है। और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। सो बड़ा सा स्विमिंग पूल है। यहाँ पे आप बैक साइड पे जाओगे तो ये जो लैंड है ये है बेसिकली लाइक यहाँ पे रेन डांस का कॉन्सेप्ट था, बट आई डोंट नो अभी कुछ तो यहाँ पे अलग कुछ तो क्रिएशन हो मतलब किया जाएगा। सो ये पूरा किचन गार्डन में सब्जियां लगाई हुई है। और ये सामने आपके रहे एंट्रांस वाले वीजा, ये गेट है प्रोजेक्ट का, यहाँ से एंट्री होती है प्रोजेक्ट को और ये पूरा प्रोजेक्ट आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मैं आपके मतलब जो एंट्रांस वाले विलास है वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा वीडियो अनकट रहेगा, मैंने कहाँ पे भी वीडियो को कट नहीं किया है, स्टार्ट टू एंड आपको पूरी वीडियोस विदाउट कट दिखाई दी जाएगी।
सो मोस्ट ऑफली ये रिक्वायरमेंट बहुत है कि क्रिकेट टर्फ हो आपके घर के बाजू में, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली हो यहाँ पे मोस्ट ऑफली चिलिंग कर सकते हैं। सो बड़ा सा क्रिकेट टर्फ आप देखोगे। देन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले गार्डन है यहाँ पे, जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। ये लॉन वाला पार्ट है, ये भी जो एंट्रेंस के दो प्लॉट्स है वो भी सेल के लिए है। ये छोटा सा पाथवे रेडी किया हुआ है बीच में से, यहाँ से भी पाथवे है। एंड ये ओपन स्पेस है, ये भी एमिनिटीज वाला ही पार्ट है। यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, वॉट एवर जो आपको मन चाहे यहाँ पे आप खेल सकते हो, बैडमिंटन हो। सो पूरा ग्रास से भरा हुआ पूरा ये कवर अप है। सो ये है ऑलरेडी टेनेंट यहाँ पे रहते हैं वीकेंड के लिए। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक रेंटल सिस्टम भी यहाँ पे बहुत चलता है, जैसे कि ये सब विलाज है वो सैटरडे संडे वीकेंड के लिए रेंट को ओनर देते हैं, जैसे कुछ भी आपका पैसिव इनकम आपको जनरेट हो। सो आप अगर नहीं आते, कभी कभार आते हो आपके प्रॉपर्टी पे, तो ये बाकी दिन आप इसको रेंटल कर सकते हो, एक स्विमिंग पूल बना के पूरा ये प्रॉपर्टी रेंटल कर सकते हो। सो वहाँ से हमने एंट्री किया और ये रहे सब पूरे से एंट्रेंस वाले प्लॉट। सो बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन है हर एक प्लॉट में। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लॉट है तो उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जल्दी ही कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा और ओनर यहाँ पे रहने के लिए आ जाएंगे। देन ये है एक बड़ा सा प्लॉट है, सो टोटल जो प्रोजेक्ट था वो 52 प्लॉट्स में है। यहाँ पे 52 प्लॉट्स थे जो आधे मोस्ट ऑफली सोल्ड आउट हुए हैं, आधे सोल्ड करना बाकी है, आधे मतलब उन्होंने लिए है बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया, ऐसे भी हमारे प्लॉट्स है। तो एंट्री है ये भैरव हिल गेट से, ये पूरा यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी होती है। देन आपको स्ट्रीट लाइट आप देखोगे तो ये पूरे स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज है, सब कुछ मतलब डेवलपर ने एमिडीज दिया है हुआ है। ये फ्रंट का प्लॉट है, जैसी गेट है ग्लेड के साइड में ये एक प्लॉट है, वो भी डेवलपर को सेल करने है। यहाँ पे बेसिकली दो प्लॉट है जिसका एंट्री आपको बैक राइट डायरेक्टली आउट ऑफ द गेट मिल जाएगा, वो भी एक कंस्ट्रक्शन हमारे प्लॉट का ही है, प्रॉपर्टी का ही है, प्रोजेक्ट का ही है। आप देख सकते हो बड़ा सा ह्यूज कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। देन ये कंस्ट्रक्शन है, सो ये राइट हैंड साइड के प्लॉट से ये भी प्लॉट अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चालू होगा, ये पूरा प्लॉट क्लीन किया हुआ है, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा अभी थोड़े दिन में। देन ये दो प्लॉट है वो भी सेल करने हैं। तो ये बड़ा सा और एकदम बढ़िया सुंदर प्रोजेक्ट है, आप आइए यहाँ पे विजिट कर लीजिए। एंड अगर आपको ये प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पे प्लॉट आपको पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हो। मेन पॉइंट आते हैं प्राइजिंग की, जो फेज वन है, फेज वन में प्राइजिंग जो कोट किया है डेवलपर ने वो है 699 पर स्क्वायर फीट, इट मीन 699 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको इसका प्लॉट का प्राइज मिल जाएगा। ये प्राइज नेगोशिएबल हो जाएगा अगर आप विजिट करते हो, फाइनलाइज करते हो, तो डेवलपर के सामने आप बैठ के नेगोशिएशन आराम से कर सकते हो। देन सेकंड फेज में हम अगर बात करेंगे तो सेकंड फेज जो हमारा प्री लॉन्चिंग है उसका प्राइस डेवलपर ने किया है कोट 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो ये दोनों डिफरेंस है फेज वन एंड फेज टू, सो इसमें एमिनिटीज वगैरह कनेक्टिविटी एक ही होगा। तो आप एक बार आइए, प्रॉपर्टी देखिए और नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती है जल्दी ही साइट पे। थैंक यू सो मच।